जिंदगी के आखिरी लम्हात में दिमाग के अंदर क्या होता है, ये दावा अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आया। साइंसदानों ने दावा किया है कि वो ये राज जानने के करीब पहुंच गए हैं कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में इंसानी दिमाग में क्या चल रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम, हिडन सीक्रेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद मिस्ट्री फैक्ट्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना है। हमारी आज की ये वीडियो भी कुछ ऐसी ही है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी इंसान की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो ये दावा इस वक्त सामने आया जब तिब्बी माहरीन ने हादसाती तौर पर एक दम तोड़ते शख्स के दिमाग की रिकॉर्डिंग EEG इस्तेमाल करते हुए कर ली। जिस शख्स की रिकॉर्डिंग हुई उसकी उम्र 87 साल थी और हार्ट अटैक का शिकार हुआ था। ये पहली बार है जब साइंसदानों ने दम तोड़ते इंसानी दिमाग की सरगर्मी को रिकॉर्ड किया। उन्होंने बताया कि दिमागी लहरों का जो पैटर्न उस शख्स की मौत के वक्त रिकॉर्ड हुआ, वो ख्वाब देखने, यादें दोहराने और मराकबे के दौरान दिमागी सरगर्मियों से मिलता जुलता था। इस हादसाती रिकॉर्डिंग के बाद साइंसदानों ने इस मामले पर एक तहकीक की जिसके नतीजे तिब्बी जरीदे फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस में शाया हुए। अमेरिका की लुईवेल यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि मुमकिन तौर पर हमारा दिमाग जिंदगी के आखिरी लम्हात बल्कि मौत के बाद भी मुतहरक हो सकता है। इसी तरह जिस तरह की दिमागी लहरों को दम तोड़ते दिमाग से रिकॉर्ड किया गया, इनसे अंदिया मिलता है कि आखिरी लम्हात में लोग अपनी ज़िंदगी को आंखों के सामने से गुजरते देखते हैं। मुहक्कीन ने बताया कि हमने मौत के वक्त की 900 सेकंड की दिमागी सरगर्मियों की जांच पड़ताल की और इस पर तवज्जो मरकूज की कि दिल की धड़कन रुकने से 30 सेकेंड पहले और 30 सेकेंड बाद दिमाग पर क्या होता है। उन्होंने कहा कि दिल की धड़कन रुकने से कुछ लम्हे कबल और कुछ लम्हों के बाद हमने मुख्तलिफ दिमागी लहरों में तब्दीलियों को देखा। इस तरह की लहरें यादों को दोहराने के अमल का हिस्सा होती है जिससे अंदिया मिलता है कि आखिरी लम्हात में दिमाग जिंदगी के अहम वाकयात को किसी फास्ट फॉरवर्ड फोटेज की तरह प्ले करता है। इनका कहना था कि ये डिस्कवरी जिंदगी के इख्तिताम के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है। जी दोस्तों, तो ये अपनी नौयत की पहली रिसर्च थी जो कि एक केस पर मबनी थी, मगर मुहक्कीन को तवक्का है कि वो इस काम को मजीद आगे बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि नतायज से माहरीन को आखिरी लम्हात में ज़िंदगी को दोबारा दोहराने के अमल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी, जिसको मौत के मुंह से निकल आने वाले अफराद भी रिपोर्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।